नमस्कार, मैं हूं सचिन कौशिक और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं रेडियो मेवात की निदेशक मिस अर्चना कपूर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने का। संचार क्रांति के नए युग में कम्युनिटी रेडियो एक नया आयाम जोड़ता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि भारतवर्ष में कम्युनिटी रेडियो के नए आयाम किस तरीके से खुलते जा रहे हैं। बहुत से नए संचार के माध्यम होने के बावजूद कम्युनिटी रेडियो की भारत में क्यों जरूरत पड़ी और इसका आगे भविष्य क्या है। मैम, मेरा पहला प्रश्न होगा कम्युनिटी रेडियो पर कि कम्युनिटी रेडियो इन जनरल हम क्या देखते हैं भारतवर्ष में। जैसे कि मेरे सारे दर्शक, आपके सारे दर्शक जानते होंगे, कम्युनिटी रेडियो का जो मुहिम हमारे देश में चला वो 2002 से चला, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका ले लीजिए, अर्जेंटीना ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लीजिए, यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो काफ़ी समय से प्रचलित रहा और काफ़ी पॉपुलर मीडियम रहा। हमारे देश में क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम लोग इतने सारे लोग हैं, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, कुछ एरियाज़ हार्ड टू रीच हैं, कुछ एरियाज़ बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो बहुत सारी इसमें समस्याएं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में इसकी जो पॉलिसी बनी वो 2002 में बनी और ये केवल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इसका लाइसेंस मिला, जिसमें कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली की बहुत सारे जामिया मिलिया हो गया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहला रेडियो स्टेशन था, इस तरीके के बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ ने इस की पहल करी और अपने कैंपसेस में रेडियो स्टेशंस के को शुरू कर दिया। 2006 में जाकर के काफ़ी लॉबीज़ क्रिएट हुई, काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी एक्सटर्नल एग्जांपल्स शेयर किए गए और फिर सरकार ने ये गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट ओपन किया। और आज बहुत खुशी की बात है कि अभी जो हाल ही में कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन, जो देश का सेकंड कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन फरवरी 18 से 20 तक हुआ, उसमें हम लोग को ये जानकारी दी गई कि 126 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस आज ऑपरेशनल हैं और काफ़ी सारे, लगभग 32 या 32 से ज़्यादा, मैं भूल रही हूँ, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस का प्रोसेस चालू है। आपने एक सवाल उठाया कि जब इतने सारे और मीडियम्स हैं तो कम्युनिटी रेडियो क्यों। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शक जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि कम्युनिटी रेडियो के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जानते होंगे। कम्युनिटी रेडियो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हमारी जो है एक लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ये ओनरशिप इसकी कम्युनिटी की होती है। भले ही लाइसेंस होल्डर कोई भी हो इनिशियली, चाहे एनजीओ चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, ये हम मान के चलते हैं कि थोड़े समय में जिस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो इसका स्टेक होल्डर हो जाएगा और ओनर भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, इट इज़ वेरी क्लियर, जिससे कि हमारे डेमोक्रेसी है उसी तरीके से ये है ये। और एक और इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि दिस इज़ द ओनली मीडियम जो कि नॉन कॉमर्शियल मीडियम है। जितने भी आप FM चैनल सुनते हैं, जितने भी आप इतने सारे TV चैनल्स आ गए हैं, दे आर ऑल प्रॉफिट ओरिएंटेड, ऑल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, जबकि कम्युनिटी रेडियो जो है, सामुदायिक रेडियो जो है, वो एक नॉन कॉमर्शियल एंटिटी है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसमें कम्युनिटी रेडियो का नाम ही ऐसा है कि जब तक आप समुदाय के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तब तक कि आपका रेडियो का कोई मतलब नहीं है। कौन सा ऐसा रेडियो है, चाहे जितने भी हमारे कॉमर्शियल रेडियो स्टेशंस हैं, उसमें आपको और हमें एक आवाज़ दी जा रही है, या जितने भी हमारे हार्ड टू रीच कम्युनिटीज़ हैं या डिफ़िकल्ट टू रीच कम्युनिटीज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं या किसी भी तरीके से पिछड़े लोगों को कहाँ आवाज़ मिलने का एक मौका मिलता है। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है, जहाँ पर जिन लोगों की आज तक आवाज़ कहीं तक नहीं पहुँची है, उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने का एक सिस्टम है, एक टूल है। तो अगर मैम हम इसकी बात करें कि जो आपका रेडियो में बात है, हमने कम्युनिटी रेडियो पर अभी बात की और आपने कहा कि हम प्रखरता देते हैं उन लोगों को, जिसमें हम लोगों को बोलने की आज़ादी देते हैं, तो आपका जो रेडियो मेवात है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो कितने तौर पर सफल है और आपका जो रेडियो है वो कितने रूप से इस जो उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। जी,
मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो रेडियो मेवात है ये एक रूरल रेडियो स्टेशन इसको कहेंगे. कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रेडियो स्टेशंस रन कर रहे हैं वो शहरों में भी रन कर रहे हैं या स्लम्स में रन कर रहे हैं या एक अलग ऑडियंस को केटर कर रहे हैं. हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो चल रहा है. मेवात दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर है. ये 2005 में ही एक डिस्ट्रिक्ट बना और यहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी सारी परेशानियां थी. जैसे यहाँ पर साक्षरता का दर बहुत कम है, केवल महिलाओं में 33% है, पुरुषों में केवल 48% है, जबकि हमारे देश की साक्षरता दर अब 68% के भी ऊपर हो चुकी है. यहाँ पर जितने भी सोशल इंडिकेटर्स में आप अगर मेवात वासियों को कहीं मेजर करेंगे, मापदंड लेंगे, तो सैनिटेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये पिछड़े हुए हैं. तो उसमें हमारा जो रेडियो है एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हुआ है जहाँ पर ये बहुत बदलाव ला सकता है, जो हम लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट को एक नया रास्ता दिखा सकता है और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. तो रेडियो मेवात की हम जहाँ तक बात करें और हमने जो शुरू में बात करी कि कम्युनिटी का होना चाहिए, सरकारी तौर पे भी 50% कार्यक्रम जो हैं वो कम्युनिटी के माध्यम से बनने चाहिए. उसमें कम्युनिटी की एक ओनरशिप होनी चाहिए. हम रेडियो मेवात ने ये माना कि कम्युनिटी केवल एक लिसनर नहीं है, कम्युनिटी एक प्रोड्यूसर भी है, कम्युनिटी एक पार्टिसिपेंट भी है, कम्युनिटी एक वाइब्रेंट एंटिटी है. तो अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो रेडियो मेवात का पहला ये था कि हमारी कम्युनिटी कौन है जी. और ये मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये कुछ हम लोग अहम मुद्दों पे बात कर रहे हैं. तो जब आप कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप ये हमेशा याद रखें कि आपकी आपको अपनी कम्युनिटी को डिफाइन करना पड़ेगा. आपकी कम्युनिटी कौन है? मेन मुद्दा यही है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी क्या है और उसको किस तरीके से केटर करें. एग्जैक्टली. आज छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ सचिन कि आप मुझे आज इस मंच पे लाए तो आपने मेरे बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करी, आपने काफी रिसर्च किया, स्टडी किया, मुझसे 2-3 बारी बातें करी और आपने एक हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहां आप और हम एक ही पन्ने पर हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्वर्सेशन आगे ले जा पा रहे हैं. सेम थिंग लागू होती है जब भी हम कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं. हम एक कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि एक पब्लिक माध्यम है. जो भी हम एयर कर रहे हैं वो एक हम खुले तौर पे एक वॉइड में एयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ये कम्युनिटी है तो हम इस कम्युनिटी को कैसे केटर करेंगे. तो हमें कम्युनिटी का जानना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात यह है कि हमें किस तरीके के प्रोग्राम्स हमारी कम्युनिटी जानना सुनना चाहती है, कौन से ऐसे गैप्स हैं. हमारा रेडियो मेवात का एजेंडा बहुत क्लियर है. हम एक डेवलपमेंट एजेंडा लेकर के चले हैं. एक हमारा मैंडेट है डेवलपमेंट. हो सकता है किसी और कम्युनिटी रेडियो का एंटरटेनमेंट हो, किसी का इन्फोटेनमेंट हो, किसी का कुछ हो, ये तो हम सब अपने आप मानते हैं कि हमारा रेडियो का क्या है. तो रेडियो मेवात का डेवलपमेंट है. तो हमें ये जानने की आवश्यकता पड़ती है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मेवात अभी पिछड़ा हुआ है या हमारे जो लिसनर्स हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर्स बनेंगे उनको वो कौन सी जानकारियों का अभाव है जो हमारा रेडियो, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन का मीडियम है, एक टूल है, तो वो कौन सी जानकारियां उन तक प्रोवाइड कर सकता है. तीसरी बात यह है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि महिलाओं को हम कैसे जोड़ेंगे, पुरुषों को हम कैसे जोड़ेंगे, यूथ को हम कैसे जोड़ेंगे, बच्चों को हम कैसे जोड़ेंगे. जब हम एक कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी की बात करें तो ये सारे हमारे लिसनर्स हैं, सारे हमारी कम्युनिटी के सेगमेंट्स हैं. एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा कम्युनिटी है. तो दूसरी चीज़ ये होती है कि हम इन सबको किस तरीके से जोड़ें. तीसरी चीज़ ये होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने चलिए रेडियो स्टार्ट कर लिया, हमने अपनी कम्युनिटी डिफाइन कर ली, हमने प्रोग्रामिंग कर ली. मैं आपसे कहूं कि कम्युनिटी अगर हमने डिफाइन कर ली है और कम्युनिटी की अगर हमने बात कर चुके हैं तो कम्युनिटी की डेफिनेशन मतलब एक डिफाइन करने के बाद हमें कंटेंट जो होता है उसका कंटेंट जो होता है, आपने कहा कि डेमोक्रेटिक जो वे है कम्युनिटी रेडियो का, तो वो किस तरीके से अपना कंटेंट डेमोक्रेटिकली निकाल रहा है जी. रेडियो मेवात ही की बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग वो अब 19 महीने हो गए हमें उसको रन करते हुए. तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन कुछ ही यहाँ बात करूंगी. सबसे बड़ी बात होती है कि हम कम्युनिटी को कैसे अपना लिसनर बनाएं, क्योंकि जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं काफ़ी पैसा लग जाता है रेडियो स्टेशन को स्टार्ट करने में, लाइसेंसिंग वगैरह प्रोसेस में समय लग जाता है, तो पैसे का तो अभाव हमेशा रहता है. तो लिमिटेड
रिसोर्सेज के साथ, पहली बात आप एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो कैसे स्टार्ट करें, दूसरी बात आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, तीसरी बात आप लोगों को कैसे जोड़ें। तो हम लोग ने जो किया, जिस समय हमने ये स्टार्ट किया कि हम अपना रेडियो स्टेशन चालू करेंगे, हमने कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग वहाँ का एक कॉलेज है बहुत फेमस, YMD कॉलेज, वहाँ गए और वहाँ से हमने कुछ बच्चों को रिक्रूट किया जी। और हमने कहा कि हम आपको स्टाइपेंड देंगे। कई लोग सोचते हैं कि क्योंकि आप कम्युनिटी के साथ काम करें तो वॉलंटियरिज्म की ही बात करें, लेकिन रेडियो मेवात ने ये माना कि वॉलंटियरिज्म हमेशा गरीबों से क्यों जी। जब हम एक चीज लेकर के आ रहे हैं और हम लोगों को उससे जोड़ना चाह रहे हैं तो हर किसी को कुछ मिलना चाहिए उसमें से। तो जो छात्र हैं हमारे, ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो इसमें करियर अपना डिफाइन करते हैं, अगर वो करियर इसको अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं, करियर प्रोफाइल उनका कैसा रहेगा, क्या वो पैसा कमा पाएंगे, क्या वो अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हैं? देखिए, सबसे खूबसूरत बात कम्युनिटी रेडियो के है कि आपको एक क्लीन कैनवस दिया है, बिल्कुल एक साफ स्लेट आपको दे रखी है और आप अपनी कम्युनिटी खुद आइडेंटिफाई करते हैं, आप कहाँ चालू करना चाहते हैं वो खुद चालू करते हैं। अगर इसके कोई ऑप्शंस नहीं होते, कोई इसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो आज 126 रेडियो स्टेशन चल नहीं रहे होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार का ये है कि कम से कम इस साल 2012-2013 में 1000 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आए। जहां तक कि जस्ट एज अ सैलरी आप सोच रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कॉमर्शियल वेंचर्स आपके लिए उपलब्ध हैं, आप पहले उनको एग्जॉस्ट करिएगा। कम्युनिटी रेडियो से वही लोग जुड़े जो कि डेवलपमेंट एजेंडा से जुड़ना चाहते हैं, जो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करना चाहते हैं, जो कि खाली इसको एक आरजे। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, मेरे ख्याल से 5 एप्लीकेशन रोज आती होंगी, और सब कहते हैं जी आई वॉन्ट टू बी एन आरजे। वी आर नॉट रेडियो जॉकीज देयर, ये आप प्लीज दिमाग में रखें। हम लोग जब काम करते हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, या आप किसी भी जो गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़ेंगे या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़ेंगे, सैलरी आपकी हो सकता है 50,000 नहीं होगी, लेकिन आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप वॉइसिंग कर सकते हैं, आप इम्पैक्ट स्टडीज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करने का आपको एक मौका मिलेगा और ये बहुत ही एक्साइटिंग है। और मैं यही कहूंगी कि जो लोग एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है। जैसे कि सचिन ने मुझसे पूछा था कि यू नो कॉन्टेंट जनरेशन इज सच अ क्रिएटिव थिंग, आपको कोई नहीं आके आपसे कहता है कि आप ये करो, आप खुद डिसाइड करते हैं मेरी कम्युनिटी ये चाहती है, मैं ऐसा कार्यक्रम बनाऊंगा, मैं गाने से लिंक्ड डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं फोक म्यूजिक को फिर से रिवाइव कर दूंगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जहाँ पे उनका एक प्रश्न वो अभी भी छूट जाता है कि क्या वो इसको करियर को फाइनेंशियली अपने लिए बेटर समझ सकते हैं, क्या वो ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं ये एक प्रोग्राम करके, मतलब एक हर किसी के एक दिमाग में एक बात रहती है कि क्या मुझे वो फाइनेंशियली एक स्टेटस मिलेगा, क्या करियर ऑप्शन मैं इसको चुन सकूंगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को, मैं सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, जिन लोगों को मैंने 1500 रुपए के स्टाइपेंड पे रखा था, आज वो लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं 18 महीने के अंदर जी। जो हमारे स्टेशन मैनेजर्स हैं वो 18,000 से 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है 1-1.5 साल का। ये एक नई चीज़ है, नई हवा है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। कई लोग 5,000 देते हैं, कई लोग 7,000 देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन रेडियो स्टेशन टू रेडियो स्टेशन, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है। तो अगर हम फिनेंशियली इसको वायबल बनाते जा रहे हैं तो हमें कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। हमारी कम्युनिटी कौन है? जो लोकल्स हैं और जो लोग रेडियो के साथ जुड़े हैं। तो इसमें कई रेडियो स्टेशन मुझे पता चला है, दो आई हैव नॉट वेरीफाइड इट, कुछ स्टेशन मैनेजर्स को 40,000 मिल रहा है। अब अगर आप ये कंपेयर करने की, नहीं भाई आप इसको एक कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर आप गलत लाइन में हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं, एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, कुछ असली में जमीन पे काम करना चाहते हैं, तो कम्युनिटी रेडियो के पास भी पैसा होता है, पोटेंशियल होता है और बहुत चीजें। अगर हम बात करें कि हमने जो सारी बात की उसमें अगर नॉन प्रॉफिट की बात करके हम ये आते हैं कि अगर आप पे कर रहे हैं स्टूडियो को मेंटेन करना, अपने लोगों को मेंटेन करना, तो सरकार और रेडियो मेवात खुद ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से एक हेल्दी जो फंड्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और आप सैलरी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने? जी, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि देखिए, मिनिमम मैं आपको पूरा ही एक
क्लियर कर देती हूँ कि कम्युनिटी रेडियो के खर्चे क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमने खुद स्टार्ट किया। जहाँ तक सेटअप की बात है तो आप मिनिमम एक 10 लाख रुपए मान के चलिए, वो आप चाहे फंडिंग, डोनेशन, फ्रेंड्स, एनजीओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिससे भी आप जनरेट कर पाते हैं, उसको आपको इतना मिनिमम तो खर्चा है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही है कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। स्पेशली जैसे हम अगर रेडियो मेवात की बात करें तो बिजली की हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें एक यूपीएस भी रखना पड़ा, एक इन्वर्टर भी रखना पड़ा, एक जनरेटर भी रखना पड़ा है। हम लोग ने अप्लाई कर रखा है सोलर पैनल के लिए, लेकिन केवल सोलर पैनल पर हमारा रेडियो स्टेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि बरसात के दिनों में कैसे रिचार्ज होगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। जैसे ही आपने ऑप्शंस क्रिएट किए तो खर्चे जी। जैसे ही आपने अपनी टीम को बढ़ाया तो खर्चे जी। जैसे आपकी टीम एक्सपीरियंस्ड हुई तो खर्चे खर्चे। कंटेंट आपने नया किया तो आपको एक पायलट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, रिसर्च है उसको जोड़ना पड़ेगा। आज रेडियो मेवात में हम लोग 19 लोग काम कर रहे हैं जी। हम लोग ने स्टार्ट किया था 4 लोगों से, 19 लोग बढ़े। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं तो ये कहूंगी कि मेरी जीवन में अगर कुछ इस समय इंटरेस्टिंग हो रहा है तो वो रेडियो हो रहा है, क्योंकि एक अजीब सा चैलेंज थ्रो करता है और एक अजीब सा पागलपन क्रिएट करता है ये, क्योंकि आपका ये अपना बच्चा खड़ा हो गया है, आपको ये देखना है कि बच्चा भूखा ना सोए, आपको ये देखना है कि इसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतजाम करते रहना है, इसकी आपको करियर प्लानिंग करनी है। तो आप हर स्टेज पर आप कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते जाते हैं और आप खुद नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते जाते हैं। रेडियो मेवात की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, जब हमने स्टार्ट किया 1 सितंबर 2010 को, तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। हमने जितना पैसा था रेडियो को लगाने में स्टार्ट कर दिया था, पर हमें अच्छे लोग मिले और हमें बिल्कुल कमिटेड लोग मिले जिन्होंने कहा कि नहीं मैडम, आप 5,000 भी देंगी तो हम काम करेंगे, 6,000 भी देंगी तो काम करेंगे। हमने 25 लोगों को के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, अल्टीमेटली केवल 6 रह गए, क्योंकि हमारा पैसा कम था। हमने शुरू में तो कहा था हम सिर्फ 500 रुपये देंगे, फिर जो लोग रुक गए उनको 1500 रुपये देंगे। फिर आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग 7,500 से लेकर 11,000 के बीच में लोकल कम्युनिटी में, जहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस नहीं है, उन लोगों को इतना पैसा मिल रहा है। अब इस पैसे की जुगाड़ कैसे की जाए, बहुत सारी हमारे लिए एक एडवांटेज था कि हम इतने बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं कि जहां पर कि हर कोई इस बात से परेशान था कि हम लोगों तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए कि आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो रेडियो मेवात ने क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करी। हमने 2 घंटे के ब्रॉडकास्ट से स्टार्ट किया क्योंकि पास फंडिंग नहीं थी। धीमे धीमे हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि एक कॉलेज था जिसकी एडमिशन होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा एक प्रोमो बना दीजिए, उनका प्रोमो बना दिया, उन्होंने ब्रॉडकास्ट के लिए दे दिया। फिर सर्व शिक्षा अभियान हमारे साथ जुड़ा क्योंकि उनका एक कैंपेन चल रहा था, तो उन्होंने हमें 3 महीने का कैंपेन दिया। फिर ऐसे करते करते हम लोग ने बहुत मेहनत करी, हम लोग NRHM के पास गए, हम लोग NABARD के पास गए, हम लोग UNESCO के पास गए, हम लोग टोटल सैनिटेशन कैंपेन वालों के साथ गए, पंचायती राज के पास गए, सबके पास IEC फंड होता है। आप किस तरीके से अपने को पोजीशन करते हैं, किस तरीके से आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं। हम लोग 12 साल से मेवात में काम कर रहे थे, लोग हमें जानते थे, हमारी एक पहुंच थी, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको कहेंगे, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने बिल्ड किया। लोग जानते थे कि अगर स्मार्ट वाले लोग आए हैं तो ये कुछ अच्छी बात लेके आए होंगे। धीमे 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 करके इसमें दो ही चीजें होती हैं कि आप हार ना माने और आप कभी ये ना फील करें कि अरे मैंने तो गलती कर दी। ये कहना आसान है, मुझे भी कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दिया है जिसको हम सस्टेन ना कर पाए, लेकिन हमारा एक ही होता था, रेडियो चलना है, रोज चलेगा, बंद नहीं होगा। कैसे चलेगा, ठीक है शुरू में हम रिपीट करेंगे, अब हमारा इतना सिस्टमैटिकली चलता है, हमारी क्यू शीट बनती है, हमें पता होता है इन 10 घंटों में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। हमने विदाउट एनी फंडिंग स्टार्ट किया और आज मुझे इस बात को आपके साथ शेयर करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारे पास 40 लाख रुपयों का जॉब ऑर्डर्स है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर एक जॉब ऑर्डर हमारे यहाँ एक पैनल है जिसपे लगा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत अहम मुद्दा है इस रेडियो स्टेशन के लिए। आपने एक बात कही थी कि बच्चा खड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और बच्चा, लेकिन अब हम कैसे जाने कि वो क्या कर रहा है और उसकी मॉनिटरिंग। देखिए हमें ऑडियंस तक पहुंचना है, ऑडियंस की ही हम बात कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल रेडियो होने के लिए हमें उसका ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कंटेंट उन तक पहुंचा रहे हैं वो उनके कितने फायदेमंद है और वो उससे क्या क्या चीजें हासिल कर रहे हैं। तो इसका कम्युनिटी रेडियो किस तरीके से
सामंजस्य है जो बिठाता है वो कैसे रहता है इसमें? सर जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी आपके सवाल का एक और जवाब, इससे पहले कि हम लोग इस मुद्दे पे आए. कम्युनिटी रेडियो के सामने जो तीन चार चैलेंजेस होते हैं उसमें एक होता है सस्टेनेबिलिटी. जी श्योर. और हम लोग अक्सर सस्टेनेबिलिटी को केवल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सस्टेनेबल वो है जो कि पैसा आ गया तो आप सस्टेनेबल हो गए. नहीं, सस्टेनेबिलिटी कई और चीजें होती हैं, जैसे सोशल सस्टेनेबिलिटी. आखिर आप एक ऐसे टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक आप कम्युनिटी को केटर कर रहे हैं, क्या पता वो कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करे या ना करे. बिल्कुल. तो सोसाइटल या जो हम कहते हैं कि सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात, किस तरीके की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसको आप केटर कर रहे हैं, क्या आप उनकी सेंसिटिविटीज का ध्यान रख रहे हैं, आप सोशली किस तरीके से उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज वन. नंबर टू, कल्चरल, क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर हो सकता है कि वहां पर जो कहते हैं ना माइंड्स ऑफ टैलेंट हो, खाने हो टैलेंट की, और जिनको कभी किसी ने छेड़ा नहीं है. तो आपके लिए बिल्कुल एक वर्जिनल टेरेन है, आपके लिए बिल्कुल एक क्लीन कैनवस है. आप जब गांव-गांव में जाते हैं आपको पता चलता है, अरे यहाँ तो इतने पुराने पुराने गाने गाने वाले हैं, यहाँ तो भपंग बजाने वाले हैं, यहाँ तो हारमोनियम इतना बढ़िया बजाते हैं, यहाँ तो ढोलक के लिए इन्होंने इतने गाने बना रखे हैं. और हमारे देश की खासियत यह है कि हर आप कहीं भी पूरे देश में निकल जाइए, आप छोटी छोटी पॉकेट्स में जाएंगे, वहाँ की एक यूनिकनेस आपको निकल के आएगी. जैसे हमारे मेवात में मिरासी सिंगर्स हैं, जो कि ये आर्ट बिल्कुल डाई कर रही थी और बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं था. गफरुद्दीन मिरासी हैं जिन्होंने पहला इंटरव्यू हम लोगों ने गफरुद्दीन जी का किया, और उन्होंने कहा कि जो तीजाबाई हैं और ये कंटेम्प्रेरीज हैं, लेकिन उनको क्योंकि प्लेटफॉर्म्स मिलते चले गए, उनको अवार्ड मिल गया, ये बेचारे वहीं के वहीं आज भी शादियों में और इनमें गाते हैं. दूसरी बात, कल्चरली ये इतना रिच है एरिया, लोग कहते हैं कि ये डिसेंडेंट्स हैं कृष्ण के, ये हमें पता ही नहीं था. जब ओरल ट्रेडिशन को हमने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और रेडियो एक ओरल माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आए. तो एक सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात हमने कर ली, कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, आप किस तरीके से उस लोकल कम्युनिटी के कल्चर को सस्टेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. तीसरी बात हो गई टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी. हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें लोगों ने 20 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख के कोटेशंस भेजे थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ करेंगे. लेकिन जब हम लोग ने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो हमें चीपर ऑप्शंस मिले, और आपको हर किसी को अपने ऑप्शंस खुद इवॉल्व करने पड़ेंगे. और हम लोग ने 8.5 लाख में एक अच्छा खासा स्टूडियो लगा लिया विद द टावर, विद द ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर और एंटेना हमको यूनेस्को ने डोनेट किया, पर बाकी चीजें हम लोग ने खुद गलतियां करके लोगों से मिलके हमने सॉर्ट आउट करी. और दिल्ली से नू तक ले जाना, जो कि 75 किलोमीटर ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा खाइयां, पानी, पहाड़, सब चीजें उस डिस्टेंस को पूरा करने में, और एक बड़ा शहर मिलेनियम सिटी गुड़गांव भी पड़ता है, लेकिन उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में मेवात बहुत बैकवर्ड है. तो टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, बैकअप्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यूपीएस भी है, इन्वर्टर भी है, बिजली नहीं है, ट्रांसफॉर्मर फूक जाते हैं, तो व्हाट आर योर ऑप्शंस. तो आपको टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी. मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ये एक नई चीज़ है. अभी आज मेवात में एक और रेडियो स्टेशन आ गया है, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो हमें इतना ही देती हैं, हो सकता है हम ट्रेंड हैं, हमें ज़्यादा मिल जाए, या उनको कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक को पुलिस की नौकरी मिल गई, तो सबको सरकारी नौकरी का बहुत शौक होता है, तो कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं. तो आप ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल कैसे जनरेट करेंगे? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है, महिला के ग्रुप्स हैं, तो हाउ टू गेट इनटू एग्जिस्टिंग ग्रुप्स बिकम्स योर मैनपावर सस्टेनेबिलिटी, एंड देन कम्स योर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हर किसी के लिए चैलेंज है. हमें बहुत खुशी है कि ये जो अभी सेकंड कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन हुआ उसमें रेडियो मेवात को पहला पुरस्कार मिला सस्टेनेबिलिटी मॉडल के लिए, और एक ही पुरस्कार उन्होंने सस्टेनेबिलिटी मॉडल की कैटेगरी में सरकार ने दिया, जो कि रेडियो मेवात को मिला. तो हम लोग को बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमने 18 महीने में वो कर दिखाया जो कि लोग शायद 2.5 साल में या 3 साल में, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नहीं कर पा रहे. लेकिन हम लोग का अप्रोच बहुत सिस्टमैटिक रहा, हम लोग का अप्रोच बहुत शेयरिंग रहा, हम लोग का अप्रोच काफी ट्रांसपेरेंट रहा, और हम लोग ने हार नहीं मानी. कंटेंट की बात है, कंटेंट इज एवरीडे इवॉल्विंग. अब मैं आपके मुद्दे पे आ रही हूं, कंटेंट स्टैटिक नहीं है.
कंटेंट आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व करता है. आज पानी की समस्या है, कल को पढ़ाई की समस्या है, परसों मेडिकल कॉलेज आ गया तो उसमें किस तरीके के बच्चे जाएंगे. इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल रेडियो स्टेशन आपको भी इवॉल्व करना है, आपको भी लोगों को जोड़ना है. आपको, आप लोगों की पल्स हैं. अगर आज लोग कुछ और चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से उसको प्रोवाइड करना होगा. हम लोगों के तीन कॉन्स्टेंट प्रोग्राम है. जैसे कि हम लोग हेल्थ के विषय में बात करते हैं, वो हमारा एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है. हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, वो हमारा एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है. हम लोग फिनेंशियल इंक्लूजन, 90% घर मेवात में फिनेंशियली एक्सक्लूडेड है. फिनेंशियली एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है और ना ही वो कोई भी बैंक की सुविधा को ले पा रहे थे क्योंकि उनके पास अकाउंट्स नहीं थे. तो हमें ऑल द टाइम हमें सोचना पड़ता है. तो हमने मल्टी प्रॉन्ग लिया. हम लोग एनजीओ तो हैं, तो हम फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम रेडियो के माध्यम से एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं. अकाउंट क्यों खुलवाएं, चेकबुक कैसे लें, चेकबुक का क्या मतलब होता है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं तो आपको बैंक से क्या सुविधा, छोटी छोटी जो छोटी छोटी उनको बैंक का फॉर्म कैसे भरें. जी ठीक है, आपको राशन कार्ड बनाना है तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, बैंक अकाउंट खोलना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होती. तो ये सब एक तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पहला कदम और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शायद दूसरा या तीसरा. जो हमारे सीसीआर के छात्र हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि उनको किस तरीके का एक कार्य, एक कम्युनिटी रेडियो के लिए अपने आप को किस रूप से सक्षम बनाना है, तो उसके लिए कुछ आप टिप्स. हम तो यही कहेंगे अपने छात्रों से कि पहली बात आप दिमाग से आरजे का कॉन्सेप्ट निकालें. जी, अगर आप कम्युनिटी रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ चीजें बहुत क्लियर कर लें. पहली बात, मैं हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, ये रेडियो कोई सेंसेशनल रेडियो स्टेशन नहीं होता है. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि टेलीविजन ने इतना प्रेशर डाल रखा है लोगों के ऊपर कि आप ऐसी खबर दें और सनसनाती खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ और ये सब. कम्युनिटी रेडियो के ये सब मैंडेट्स नहीं है. कम्युनिटी रेडियो एक टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, एक ब्रिज. कम्युनिटी रेडियो एक ब्रिज बना रहा है, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन और ये रही कम्युनिटी. इनके पास पैसा है, इनके पास स्कीम्स है, ये सरकारी मुलाजिम है और ये आप तक पहुंचना है. तो आप पहले तो ब्रिज का काम करिए, अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करिए. छात्रों के लिए बहुत पोटेंशियल है. अगर आप थोड़े भी क्रिएटिव हैं, अगर आप थोड़ा भी काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो आपके लिए कम्युनिटी रेडियो एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है. आपको एनजीओ का एक्सपीरियंस दे सकता है, आपको फील्ड का एक्सपीरियंस दे सकता है, आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देगा, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेकर के आते हैं. क्योंकि ये एक शेयरिंग मीडियम है, ऐसा नहीं है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं. नहीं, अगर आप सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं तो कृपया किसी फाउंडेशन में जाकर के नौकरी की तलाश करें. लेकिन अगर आप खुद पे खुद कुछ खड़ा करना चाहते हैं तो कम्युनिटी रेडियो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइब्रेंट और वर्सटाइल मीडियम है, जिसमें मैं कहती हूँ कि आप इतनी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं, आप इतने इनोवेशंस ला सकते हैं, इतनी क्रिएटिविटी के साथ अपना रेडियो चला सकते हैं कि आपको कम्युनिटी अपना लेगी, आपके रेडियो को अपना मान लेगी और आप सही माध्यम से, सही तरीके से एक सामुदायिक रेडियो का रोल निभा सकेंगे. जी मैम, एक बड़े लार्जर एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसका फ्यूचर एस्पेक्ट, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है और आने वाला समय इसके लिए कितना वायबल है. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल रेडियो, या ये सुनने में आता है और आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि एक समय के बाद वही चीज रिपीट होती रहती है और कुछ भी टेकअवेज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं. कम्युनिटी रेडियो क्योंकि एक टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहा है तो इसका पोटेंशियल हमेशा अलाइव रहेगा, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिसकी, और आप अपनी ऑडियंस को देख रहे हैं. जी. आप समझ रहे हैं, आप उनकी जरूरतों को जान रहे हैं, आप डेली आपका उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है. तो इसमें स्काई इज द लिमिट, यही मैं कहूंगी. दूसरी चीज यह है कि सरकार कम्युनिटी रेडियोस को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है. जी. और इस समय मिनिस्टर ऑफ INB का एक ही मिशन है कि हम कैसे इनको 125 से 1000 ले जाएं, 1000 से 5000 ले जाएं. और वो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं. जैसे कि मैं बताऊं, एक सेमका नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, सेमका ने एक कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर खोला है,
जिसमें कि कम्युनिटी रेडियो कैसे चालू करें, क्या फॉर्म्स भरें, क्या करें, वो निरंतर रूप से मदद कर रहे हैं लोगों की। तो बहुत सारे नए लोग जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार एक कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट फंड की बात कर रहा है और होपफुली इनका प्लानिंग कमीशन में अप्रूव हो जाएगा, तो वो एक छोटा सा फंड क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप वाकई में एक ऐसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन दिया जाना है और उनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि आप अप्लाई करें, एक स्कीम चालू कर रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट फंड। तो आप उनको बताएंगे कि जी मेरे पास, मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे पास ये फंडिंग नहीं है, तो आप अप्लाई करेंगे, आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आपको अगर लाजिम समझा जाएगा तो आपको वो पैसा दिया जाएगा। तो जो क्राइसिस हमारे टाइम की लोगों के साथ रही कि भाई हम कैसे पैसा लाएं शुरू का, तो वो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। दूसरी चीज़ जहाँ तक DAVP, DAVP एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कमिटेड है कि जैसे ही आपका रेडियो चालू होता है, 3 महीने का आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आप 3 महीने की CD लेकर के DAVP में अपने को एम्पैनल करने के लिए आप अप्लाई कर दें। तो DAVP हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टर ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ही है और बहुत सारे छोटे अखबारों को सस्टेन करता है। तो ऐसा एक प्रावधान बनाया जा रहा है कि क्या अगर सपोजिंग फॉर एग्जांपल 100 रुपए आते हैं, तो क्या 5%, ये मैं हाइपोथेटिकल टर्म्स में बात करूं, क्या वो 5% कम्युनिटी रेडियोज के लिए रख दिया जाए जो कि रूरल कम्युनिटीज या हार्ड टू रीच कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि कंटेंट शेयरिंग का एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क बनता जा रहा है। तो अगर मेरे पास मिरासी गीत हैं और किसी और रेडियो स्टेशन के पास रागनीज हैं और किसी और के पास उनके फोक, हाँ कम्युनिटी रेडियो उनके पास फोक म्यूजिक है और ये हम सब ने अपने आप तैयार करी है, तो कॉपीराइट का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आप अपना कॉन्टेंट आसपास के रेडियो स्टेशन के साथ शेयर कर लीजिए। चौथी बात यह कि जैसे कोई कृषि विज्ञान केंद्र चला रहा है तो उसके पास फार्मर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है, आप उनको हेल्थ के प्रोग्राम दे दीजिए, उनसे फार्मर वाले प्रोग्राम ले लीजिए, कंटेंट शेयरिंग का हो गया। तो पोटेंशियल तो इतना है, ग्रोथ का इतना पोटेंशियल है और हम लोग जो सब अभी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ब्रॉडकास्ट करें, 24 घंटे हमें ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम है, ये एक एयरवेव है जो कि हमको दी जा रही है, तो हम क्यों ना उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। तो जैसे ही हम 10 से 24 घंटे जाते हैं, 14 घंटे का कंटेंट, तो देर इज अ ग्रोथ एस्पेक्ट, देर इज एन एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट, देर इज अ रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि हर घंटे पे हमें 5 मिनट का FCT मिलता है। तो अगर हम 10 घंटे करें तो हम अभी केवल 50 मिनट हम सेल कर रहे हैं, जब हम 24 घंटे करते हैं तो हम उसी प्रोपोर्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक रेवेन्यू मॉडल का पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है, कॉन्टेंट का पोटेंशियल है, रीचिंग आउट का पोटेंशियल है। मुझे तो लगता है पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और हम लोगों को किसी भी तरीके से इसको, इसमें कोई भी नेगेटिव इनपुट लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे 2 फोरम्स हैं, एक कम्युनिटी रेडियो फोरम है, एक कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन है, जिसमें कि लोग जुड़ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट थिंग दैट इज हैपनिंग एंड आई सी कि ये बढ़ेगा ही, इसमें पीछे देखने का तो कोई चांस ही नहीं है, इसको तो आगे ही आगे बढ़ना है। और इससे कम्युनिटी को भी फायदा निरंतर हो रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो कि मेरी नहीं, बहुत सारे और रेडियो स्टेशंस की हैं, फ्रॉम ऑटो ड्राइवर्स टू एवरीबॉडी, हर किसी के पास कुछ कहने के लिए है। आपके रेडियो के साथ अगर कोई छोटी सी ऐसी कोई हो जिसमें आप सबके साथ शेयर करना चाहें, जो लोग ये समझ सकें कि हाँ इस तरीके के कुछ आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं हर जगह से। हाँ, मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी और भी रेडियो स्टेशंस का एक आध का दूंगी। हमारे यहाँ तो बहुत ही एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बच्चे ने अभी इंजीनियरिंग वहाँ पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वो बाहर से आया था, उसको कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था, तो हमने एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी कि हम एक बैज देते हैं रेडियो मेवाड़ का, 5 रुपए की मेंबरशिप बनाते हैं और एक आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास एयर टाइम की कोई पॉसिटी नहीं है और ना ही हमारा कमर्शियल है कि नहीं हम इतना ही के बाद हमें इतने में ही आना है, तो इट्स अ फ्री व्हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये बच्चा हमारा 5 रुपए में मेंबर बना और फिर एक दिन शाम को उसका फोन आया और बोला जी मैंने अपना 1 मिनट का स्टेटमेंट नहीं बोला है। तो उससे हमारे लोगों ने कहा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, कहता मैं 1 महीने से कमरे की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कमरा नहीं कोई देने के लिए तैयार है, तो क्या मैं अनाउंस कर सकता हूँ। तो उसने अपना फोन पर ही मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि मैं फलाना फलाना, मैं यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है और मुझे एक कमरे की बहुत सख्त जरूरत है। आप बिलीव नहीं करेंगे उसके पास 15 फोन आए,
लोग उसको कमरा देने के लिए तैयार हो गए। हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई वो बार बार हमसे पूछते भाई सुनता कौन है, तो हमने कहा कि सर हम आपका नंबर चला देते हैं आपकी परमिशन से। उन्होंने हाथ जोड़ लिया हमारे सामने और बोले कि भाई अब सबके पास मेरा नंबर है, अब तो मेरा नंबर अनाउंस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों को छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो वो सीएमओ साहब का नंबर है वो फ़ोन करने लगते हैं। एक दिन मैं गई थी, तीन बच्चे मुझे अपने ऑफिस में दिखे, तो मैंने सोचा कि ये तो स्कूल का टाइम है, आप लोग क्या करने आए? बोले नहीं मैडम ब्रेक था। तो हमने कहा ब्रेक में क्या करें? बोले हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले थे, तो हमने सोचा कि हमारे पास आधा घंटा है तो क्यों ना हम रेडियो मेवात में जाके अपने चुटकुले रिकॉर्ड कर लें। तो यू नो दीज आर द थिंग्स विच कीप अस गोइंग, दीज आर द थिंग्स जो हमें लगता है कि नहीं एक व्यूअरशिप है, एक लिसनरशिप है और लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, इसको अपना अपना समझने लगे और इसके माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। मैम आपसे जो ये इनपुट्स मिले हैं ये बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे जितने भी छात्र हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है और सभी को कम्युनिटी रेडियो के बारे में जो भी जानना था और समझना था कि इसका मॉडल किस तरीके से काम करता है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। हमने ये जाना कि ये जो मॉडल है वो नॉन प्रॉफिट है, यहाँ पर आप अगर ये सोच के आएँ कि हमें अपने आप को एक बेटर करियर ऑप्शन इन द सेंस कि मॉनेटरी जाते ही पैसा मिल जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं है। लेकिन हाँ अगर काम करने का जज्बा है और हाँ अपने कम्युनिटी को अगर हम सर्व करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं साथ ही धन्यवाद दूंगा मिस अर्चना कपूर जी का कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बहुत बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगी कि रेडियो में बात जितने भी हमारे दर्शक हैं अगर वो आना चाहें दे आर मोर देन वेलकम। अगर आप कम्युनिटी रेडियो के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखें या फ़ोन करें या हमारे रेडियो स्टेशन पर आएँ और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसको अपना करियर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद।